मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड भंग, नजूल नीति में संशोधन समेत कई बिंदुओं पर मोहर लगी। देवस्थानम बोर्ड हुआ भंग, विधानसभा के पटल पर आएगा प्रस्ताव। कैबिनेट ने लगाई पूर्व सैनिकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर, 1 हफ्ते के अंदर निकालेंगे लाभ का हल। नजूल नीति में किया कैबिनेट ने संशोधन, अब नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। सभी अस्पतालों में अब सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त दवाएं, बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई, लिखने पर कारण बताओ नोटिस होगा जारी। परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय। कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी, विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार। अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों के समायोजन का लिया गया निर्णय। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा नियमितीकरण।